आज झोल वाली ही अंडे की सब्जी बनाएंगे। हमने गैस ऑन कर दिया है। 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। इसे अच्छे से तड़कने देंगे। हमने एक बड़ा साइज का प्याज लिया हुआ है, इसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। हमारा जीरा अच्छे से तड़क चुका है, अब हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह हमने 2 से 3 हरी मिर्ची ली हुई है, इसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। प्याजों को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमारे प्याज हल्के भून चुके हैं। हमने एक बड़ा टमाटर लिया है, इसे अच्छे बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम मध्यम कर लेंगे। मध्य ही फ्लेम में हम इन्हें अच्छे से भूनेंगे। हमारे टमाटर अच्छे से घुल जाए जब तक हमें इन्हें भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हमारे टमाटर लगभग घुल चुके हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। लगभग 2 चम्मच पानी ऐड करा हुआ है हमने। हमारा मसाला अच्छे से हो चुका है, अब हम इसे साइड में रखकर अंडे की भुर्जी तैयार कर लेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। चार अंडे की भुर्जी सब्जी बना रहे हैं हम, तोड़कर डालेंगे। फोर्थ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इन्हें हल्का ही फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। जी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे साइड में कर रख देंगे। हल्का भून लेंगे। हमारा मसाला भून चुका है, अब हम अंडे की भुर्जी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
करके इसका फ्लेम तेज करके एक मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही चला लेंगे। हमने एक मिनट के लिए भून लिया है, अब हम इसे पानी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ एक गिलास पानी डाला हुआ है, आप आपके हिसाब से बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। दो मिनट के लिए हम ढक के पका लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, हम सब्जी चेक कर लेंगे। हमारी सब्जी हो चुकी है, अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। गैस ऑफ कर देंगे। हम सब्जी को थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसके बाद इसे सर्व करेंगे। सब्जी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अंडे की झोल वाली सब्जी बनकर रेडी है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है, बनाना भी बड़ा आसान है।